मेरे साथ इस समय बातचीत करने लगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और साथ में चंद्रमोहन गुप्ता जो फौज ऑफ द सिटी है जम्मू के। सर सबसे पहले तो कहने के ये 20 दिन के अंदर ये काबिले तारीफ है, जम्मू के अंदर डीआरडीओ ने एक 500 बेड का व्यवस्था का जो हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया, और आज आप निरीक्षण पर हैं, दौरे पर हैं, क्या देखा आपने और किस तरह की व्यवस्था है? मैं हृदय की गहराइयों से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करता हूँ। मोदी सरकार ने इस कोरोना काल, इस महामारी के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर जो दो बड़े हॉस्पिटल जो डीआरडीओ ने बनाए हैं, 15 दिनों के अंदर अंदर जम्मू का ये कोविड केयर हॉस्पिटल डीआरडीओ ने बनाया है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ देश के अंदर कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया, लोगों को गाइड किया, वहीं इस प्रकार के बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण करके मोदी सरकार ने देश की जनता की चिंता की है। जम्मू कश्मीर में पहले ही मोदी सरकार ने दो दो एम्स जैसे हॉस्पिटल दिए हैं। मोदी साहब ने 6 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर दिए हैं, जिसमें 4 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू रीजन में हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, और इस कोरोना के मुश्किल वक़्त में रिकॉर्ड टाइम में 500 बेडेड फुल्ली ICU वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल का निर्माण अपने आप में एक बहुत ही गजब का काम है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं जो इतना बड़ा अतुलनीय काम उन्होंने इस मुश्किल हालात के अंदर किया है। जैसे कि आज 7 साल पूरे हो गए हैं माननीय मोदी जी की सरकार को लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? मोदी सरकार के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मोदी साहब ने यहाँ देश की रक्षा तंत्र को मजबूत किया, देश के अंदर डेवलपमेंट के कार्यों को किया, वहीं देश की गरीब जनता का ख्याल मोदी साहब ने रखा, और वहीं इस प्रकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए। पूरी दुनिया के अंदर अगर आज भारत का डंका बजता है तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। जिस प्रकार मोदी सरकार ने देश के अंदर काम किए हैं, जिस प्रकार मोदी सरकार ने देश की जनता का ध्यान रखा है, इस कोरोना काल में भी 80 करोड़ लोगों के घरों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं हृदय से मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रकार के कार्य उन्होंने किए। गरीब माताओं बहनों के घरों में मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन, किसानों के खातों में 2,000 रुपया, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलकर गरीब लोगों की मदद, जैसे अनेक सेवा के कार्य मोदी सरकार ने किए। और ये जो हॉस्पिटल्स रिकॉर्ड तोड़ टाइम के अंदर इस प्रकार के बड़े बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण ये मोदी सरकार ने किया है। पूरा देश मोदी जी पर गर्व करता है, और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की जो धाक है, अगर आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बजता है तो वो मोदी साहब के। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल अतुल दुल्लू जी फाइनेंशियल हेल्थ कमिश्नर यहाँ पर दिखे, जब मेरा उनसे सवाल हुआ तो उनका कहना है कि लगातार पिछले दिनों जम्मू जीएमसी में मृत्यु दर बढ़ता हुआ नजर आया, उनका कहना है मेरा ये मानना है कि यहाँ कहीं कोई कमी पेशी है, उसको दूर करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। इस समय वॉर लाइक सिचुएशन है, और हम सबको जिसकी जो जो जिम्मेवारी है उसको वो जिम्मेवारी पूर्ण करनी है। उन्होंने नहीं निभाई ना, वो कह रहे थे मैं श्रीनगर में था। चलिए, आखिर जम्मू में मृत्यु हुई तो उसका उत्तर कौन देगा? मैं ये कहता हूँ, कोई भी मरीज, अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया से जाता है तो हर एक को दुख होता है। इस मुश्किल हालात को दुख नहीं था, इस मुश्किल हालात को हम सब ने मिलकर डील करना है। आने वाले दिनों में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए हम तत्पर हैं और प्रयासरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। तो साफ तौर पर उनका कहना था कि
जो ये काम किया है प्रधानमंत्री द्वारा, जो है एक काबिले तारीफ है। हम सल्यूट करते हैं कि इस निर्णय को लेकर काफ़ी सफलतापूर्वक रहा। मगर आज वही सवाल था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी से कि आखिर फाइनेंशियल हेल्थ कमिश्नर अतुल डुल्लू जी वो कहाँ थे। उनका कहना था मैं श्रीनगर पे था, मगर भाजपा का तो पता नहीं अब क्या संज्ञान लेगी या नहीं लेगी। मगर DRDO तो तैयार कर दिया है, उस पर लेकर अपनी राय और टिप्पणी दे दी है और कहा है कि बड़ा ही सफलतापूर्वक और बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। हमें नहीं पता, ये जनता अपनी राय जरूर देगी, मगर एक चीज़ इसमें खास है कि फाइनेंशियल हेल्थ कमिश्नर अतुल डुल्लू जी वो एक बार फिर से नज़रबंद हो गए हैं, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। जनाब, मैं चाहूँगा कि आखिर लगातार मृत्यु दर बढ़ रहा है तो आप इस पर संज्ञान लें, या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी इस पर संज्ञान लेते हुए, और यहाँ के DC जम्मू जो लगातार अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उस पर फैसला ले। तब तक लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ